नमस्ते, कुक विद नीलम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केसर राजभोग बनाएंगे, तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। 1 लीटर गाय का दूध, 2 कप चीनी, 2 चम्मच कटे पिस्ता बादाम, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच सूजी। सबसे पहले हम गैस पर दूध गर्म होने के लिए रखेंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे और दूध को थोड़ा ठंडा होने देंगे। डेढ़ चम्मच विनेगर में हम थोड़ा पानी मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे। हमारा दूध फट गया है, छेना और पानी अलग अलग हो गए हैं। अब हम इसे छान लेंगे। चलनी के ऊपर हम महीन कॉटन का कपड़ा रखेंगे, इसमें छेने को छानेंगे और इसे ठंडे पानी से धो लेंगे। छेने को हम 2-3 बार धोएंगे। अब इसे अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 15 मिनट बाद हम छेने को कपड़े से बाहर निकालेंगे। और इसे मैश करेंगे। छेने को हम हथेली की सहायता से मैश करेंगे और इसे चिकना करेंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे, सूजी मिलाएंगे, 1/2 टीस्पून चीनी मिलाएंगे और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करते हुए मैश करेंगे। एक चुटकी येलो फूड कलर मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा मिश्रण लेंगे, बीच में कटे पिस्ता बादाम रखेंगे और इसे अच्छी तरह दबाते हुए बंद करेंगे और बॉल्स बनाएंगे। इसी तरह हम सारी छेना बॉल्स बना लेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। कढ़ाई में चीनी डालेंगे और 5 कप पानी डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। चाशनी में उबाल आ गया है, अब इसमें छेना बॉल्स डालेंगे। और ढककर पकने देंगे। सात मिनट हो गए हैं, हमारी बॉल्स साइज में दुगनी हो गई हैं।
अब इन्हें थोड़ा पलटेंगे और फिर से ढक देंगे। 12 मिनट बाद हम फिर चेक करेंगे। इसमें थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और ढककर पकने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हमारे राजभोग तैयार हैं। अब गैस बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। 1 कप चीनी डालेंगे और 1.5 कप पानी डालेंगे। और चीनी घुलने तक चलाएंगे। हम चाशनी को 2-3 मिनट तक पकाएंगे। हमें 1 तार से कम की चाशनी बनानी है। थोड़े से पानी में 10-12 रेशे केसर के घोल के डालेंगे। हमारी चाशनी तैयार है। गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमारी चाशनी ठंडी हो गई है। अब हम राजभोग को चाशनी में डालेंगे। और इन्हें रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमारे राजभोग बनके तैयार हैं। हमारे राजभोग काफी स्पंजी बने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।